हेलो हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लैटिन फॉर मैथमेटिक्स। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बाउंड्री लेयर थ्योरी के डेरिवेशंस को, ठीक है ना, दोनों तरह के अप्रोचेस से। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला आर्टिकल इस पे करते हैं। आर्टिकल का नाम है द बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट, जो कि ब्लासेस्टॉफर ने सॉल्व किया था, इसलिए इसका नाम ब्लासेस्टॉफर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कि एक पर्टिकुलरली फ्लैट प्लेट लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक इनविस्किड फ्लूड का फ्लो कराएंगे, ठीक है ना, और सर्टन कुछ कंडीशंस मान के चलेंगे, और उस कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, इस जो बाउंड्री लेयर इक्वेशंस है हमारी, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो देखिए, फ्लैट प्लेट के ऊपर एक फ्लो कैसा होता है। तो हमने सबसे पहले माना कि ये कोई क्या है, एक फ्लैट प्लेट है, ठीक है ना, ये कोई फ्लैट प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर से एक इनविस्किड फ्लूड फ्लो करता है, ठीक है ना। तो ये मैं एक बार एक्सिस वाई मान लेता हूं, और यहां देखो, ये एक इनविस्किड फ्लूड है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और फ्लूड कैसा है, एक तो इनकंप्रेसिबल है, ठीक है ना, पहली चीज इनविस्किड है, दूसरी चीज क्या है, इनकंप्रेसिबल है, ठीक है, और तीसरी चीज फ्लो कैसा है, स्टडी है। ये तीन चीजें हो रही है यहाँ पे, एक तो फ्लूड कैसा है, इनविस्किड है, इनकंप्रेसिबल है, और स्टडी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और ओवर दिस सरफेस हो रहा है, ये चीज समझ में आ गई। और ये सरफेस क्या है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो पर है, अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है ना, ये कभी मूव नहीं कर रहा, और ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जब फ्लो हो रहा है इनविस्किड फ्लूड का, तब हमें जो क्या होता है, इनविस्किड फ्लूड के फ्लो में हमें क्या पढ़ा है, कि यहाँ पर एक रीजन ऐसा मिलता है जिसमें क्या होती है, बाउंड्री लेयर जनरेट होती है, या फिर मैं कहूं कि इस रीजन के अंदर क्या होता है, कि हमारे जो विस्कस इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस फ्लूड की जो वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, पोटेंशियल रीजन में इसकी वेलोसिटी यू इन्फिनिटी है, जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल रीजन है, इसके अंदर ये वेलोसिटी कैसी है, पोटेंशियल रीजन, यहां पर इसकी वेलोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट है, यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, वेलोसिटी, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये है अपना बाउंड्री लेयर रीजन, और ये जो फ्लैट प्लेट है वो मैंने कैसी मानी है, स्थिर मानी है, बिल्कुल फिक्स मानी है। ये देखिए, इसका यू और वी दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, जीरो हो जाते हैं इस फ्लैट प्लेट के, ठीक है ना। जब यहां पर क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तब ये जीरो हो गया अपना, तो y इज इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा है, ये स्थिर है, ठीक है, तो ये पहली बाउंड्री कंडीशन है। और इनफिनिटी पर कैसा हो रहा है, देखो जब आगे चलता है तो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे इसके परे जाते हैं हमारे पास आता है कांस्टेंट। तो अभी क्या करते हैं, इन सब चीजों को इन जनरल इक्वेशंस पर अप्लाई करके इसके लिए गवर्निंग इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है, सबसे पहली चीज फ्लो कैसा है, इनविस्किड है, यानी कि हमें क्या यूज करनी है, बाउंड्री लेयर इक्वेशंस यूज करनी है, ठीक है ना, डायरेक्टली। दूसरी चीज इनकंप्रेसिबल है, यानी रो कांस्टेंट है, ठीक है ना, रो इज कांस्टेंट, तो उसके लिए, तो रो के लिए तो कुछ इसमें है नहीं, सब कुछ एडजस्ट हो रखा है, ठीक है। फिर है स्टडी, स्टडी यानी कि डेल ओवर डेल टी की जो टर्म्स है वो सब क्या है, नेग्लिजिबल है, या फिर उनको जीरो के इक्वल माना जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये टर्म हटा दी, ठीक है, और सिंस मेरा ये जो P है, डेल पी और डेल एक्स, वो किस पर डिपेंडेड है, वो डिपेंडेड है, वो भी टी पर डिपेंडेड है, एक तो पार्ट उसका, तो वो भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, और क्या कैंसिल होता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी यू इन्फिनिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, पोटेंशियल रीजन में, यानी कि जो हमारा यू एक्स टी था, जो हमारा यू एक्स टी था, वो क्या है, इस वक्त कांस्टेंट वैल्यू यू इन्फिनिटी के बराबर है, यानी ये ना तो एक्स पर डिपेंडेड है और ना ही टी पर डिपेंडेड है। तब देखो यहां पर कैपिटल यू कहीं नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाती है, कैंसिल, यानी कि डेल पी और डेल एक्स की जितनी भी टर्म्स है ना, वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। सो ये टर्म क्या हो जाएगी, प्रॉपरली कैंसिल। अब हमारे पास जो बच गई इक्वेशन वो ये है, इसमें ये दो टर्म, ये टर्म और ये टर्म्स बच रही है, और ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, नीचे वाली तो सेम रहेगी, ठीक है, और ये जो यू एक्स टी था वो क्या हो जाएगा, अब यू इन्फिनिटी हो जाएगा, गॉट इट। तो हमारी अब जनरल इक्वेशन क्या हो गई, सॉरी ये जनरल इक्वेशन थी पहले, अब हमारी गवर्निंग इक्वेशन क्या हो गई, तो देखो गवर्निंग इक्वेशंस आर, गवर्निंग इक्वेशंस क्या हुई, इसमें देखो यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई
देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हट गया, ये बच गया, इज इक्वल्स टू न्यू डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन वन। और देखो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रह जाएगी हमारे पास, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। और इसके साथ बाउंड्री कंडीशन क्या आएंगी, ये वाली, क्यों क्या होगी बाउंड्री कंडीशन, कंडीशंस आर एट y इज इक्वल टू जीरो, u एंड v आर जीरो, एंड एट y टेंड्स टू इंफिनिटी हमें क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू u इंफिनिटी c, जहां पर u इंफिनिटी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आप मेंशन कर दो, इट इज कांस्टेंट। सो ये है हमारी अब गवर्निंग इक्वेशंस, ठीक है, इस फ्लो के लिए। अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है ना, आगे करेंगे, ठीक है ना, तो हम इसके लिए यूज करेंगे स्ट्रीम फंक्शन का। स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारी फ्लो को बताता है, ठीक है। सो देखो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, यू इज इक्वल टू डेल साइन ओवर डेल वाई एंड वी इज इक्वल टू माइनस डेल साइन ओवर डेल एक्स, ठीक है ना, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, यू और वी के टर्म्स में। और देखो इसके अलावा हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये साइन अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, रूट ऑफ न्यू यू इन्फिनिटी एक्स फाई ऑफ नीटा, ठीक है ना, जहां नीटा क्या है, सिमिलैरिटी वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेयर नीटा इज इक्वल टू लिया जाता है, ये हमारा नीटा है, ठीक है, थोड़ा लंबा सा बना लो इसको, इसको लिया जाता है रूट ऑफ वाई रूट ऑफ u infinity over new x, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, देखो। सो ध्यान से देखो ये इस तरह से डिफाइन, कि ये जो है ना, ये टर्म्स, ये क्या कर रही है, साइन पहले तो x और y दो का था, ठीक है ना, दो का वेरिएबल, दो का फंक्शन था, दो वेरिएबल्स का, अब ये एक फंक्शन नीटा का वेरिएबल हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, साइन जो कि दो का है उसे एक नीटा पर डिपेंडेंट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगी, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उन्हें डील करना थोड़ा आसान है मुकाबले पार्शियल को डील करने के, ठीक है ना। सो आइए अब हम ये सब सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाते हैं, सब सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन 4 एंड देन वी यूज देम इन 1 एंड 2। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस साइन का डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, जिससे मुझे यू मिल जाएगा। तो देखो डेल साइन बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू यू और विच इज इक्वल टू, इसका देखो यू वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये पूरा एक्स के टर्म है, इसको कुछ नहीं होगा, इसको एंटिटीज छोड़ दो, यू इन्फिनिटी एक्स इसका हो जाएगा क्योंकि नीटा इज डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन वाई, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा फाइव डैश नीटा, ओके, और फिर नीटा का दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये टर्म बच जाएगी और ये वाई वन हो जाएगा। तो देखो रूट ऑफ यू इन्फिनिटी ओवर न्यू एक्स, सी यहां पर ये वाली टर्म और ये देखो ये दोनों इधर से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाती है और यू इन्फिनिटी यहाँ रूट में, यू इन्फिनिटी यहाँ रूट में, तो यू इन्फिनिटी एक बार बच जाएगा, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, यू इन्फिनिटी फाइव डैश नीटा, ठीक है। और देखो अगर मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, सिंस क्योंकि मुझे क्या है यू का एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डेल यू बाय डेल वाई निकालना है मुझे, इसकी आवश्यकता है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो यू इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट एज इट इज, u इन्फिनिटी और फाई का हो जाएगा एक और बार, और फिर नीटा का जब हम करेंगे तो रूट ऑफ u इन्फिनिटी गामा x आ जाएगा, देखो इट इज नॉट गामा, इट इज म्यू विच इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके। और देखो इसके साथ में अब ये तो एक बार हो गया, अब मुझे एक और बार करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसका करूंगा क्योंकि मुझे दो बार का डिफरेंशिएशन भी चाहिए। सो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों ये कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है ना, ये टर्म एक्स पर डिपेंडेड है, ये एज इट इज इसका हो जाएगा, तो यू इन्फिनिटी एज इट इज रूट ऑफ यू इन्फिनिटी ओवर न्यू एक्स एज इट इज, और फाइव का फिर से एक और डैश लग जाएगा, दो थे एक डैश और आ जाएगा, थ्री डैश हो जाएंगे, और फिर नीटा का दोबारा होगा तो क्या आ जाएगी, एक ऐसी टर्म आ जाएगी, ठीक है ना, रूट ऑफ यू इन्फिनिटी न्यू एक्स, तब देखो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा, यू इन्फिनिटी एक बार था ही, ये यहां से एक और आ जाएगा, तो स्क्वायर अपॉन ये दोनों एक टाइम आ जाएंगे, ये देखो क्या हो जाएगा न्यू एक्स फाइव ट्रिपल डैश, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो अब मैं क्या करूंगा,
इन सबको अभी मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी डेल यू बाय डेल एक्स की कमी है। तो देखो डेल यू बाय डेल एक्स में कैसे निकालता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, यू मेरा आ गया है ठीक है ना, यू मेरा इस u का अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है मुझे ठीक है ना। तो देखो ये थोड़ा सा टफ हो रहा है ठीक है ना। तो देखो डेल u बाय डेल x इज इक्वल्स टू हियर ना मेरा u, ये कांस्टेंट है u इनफिनिटी एज इट इज c। अब मेरे को phi डैश का करना है, phi का हो जाएगा देखो ठीक है ना, आएगा phi डबल डैश नीटा ठीक है, phi डबल डैश लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो नीटा का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y एजिटीज रूट ऑफ ये एजिटीज, देखो सब ये एजिटीज रह जाएगा, रूट ऑफ u इनफिनिटी एजिटीज ठीक है, नीचे ये न्यू एजिटीज, अभी से x का होगा तो 1 अपॉन रूट ऑफ x क्या हो जाता है, 1 अपॉन रूट ऑफ x है अपना, यानी x की पावर 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर आगे जाएगी, डिफरेंशिएट कर लेना इसकी क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 2 माइनस का और साथ ही साथ x की पावर कितनी हो जाएगी 3 बाय 2, ये देखो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा समझो ठीक है। और देखो इसे फर्दर थोड़ा सिंपलीफाई करो तो u की पावर u और ये इधर से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ u इन्फिनिटी न्यू, ये एक आधा इधर आ जाएगा, एक बच जाएगा और ये माइनस भी आगे आ जाएगा और नीचे x, ये एक यहां से आ गया, 2 भी है 2 भी लगा दो और फिर बाकी क्या बच गया, y, तो y भी यहां लिख देते हैं, ये लो y लिख दिया और फिर phi डबल डैश नीटा, और देखो ये फिर से नीटा हो गया, फिर से नीटा बन रहा है, तो देखो इसे वापस नीटा सब्स्टिट्यूट कर दो थोड़ा और सिंपलीफाई करके, तो माइनस यू इनफिनिटी अपॉन 2x, ओके ये फिर से नीटा, तो इसे नीटा फाइव डबल डैश नीटा, ये देखो ये हमारा आ गया डेल यू बाय डेल एक्स। अभी हमें वी भी चाहिए ठीक है, तो वी के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है। तो देखो वी के लिए मेरे को इसको पूरे को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ठीक है ना। तो देखो इस टर्म का भी होगा इसका भी होगा, एक बार इसको देखो है ना, इसको अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं इसको करते हैं थोड़ा रब करके ठीक है। हमने सारी एक तरफ लिख ली है जो अब जी हमें आ गई, अब हमें थोड़ी जगह मिल गई जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, v फाइंड कर सकते हैं। और v की डेफिनेशन क्या है, साइन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली। तो देखो इस टर्म का भी होगा तो डेल साइन बाय डेल x, तो देखो ध्यान से क्या होता है, डेल साइन बाय डेल x इज इक्वल टू इसका जब करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ये दोनों एज इट इज न्यू और u इंफिनिटी, इसका क्या हो जाएगा रूट ऑफ x का, रूट ऑफ एक्स का 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 इस तरह से ठीक है ना, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स हो जाता है ना, तो ये वो आ गया। और फिर इसको क्या लिख देंगे, फाइव नीटा ये एज इट इज प्लस एक बार इसका हो इसका कर लिया, अब ये एज इट इज और इसका करेंगे, तो रूट ऑफ न्यू यू इन्फिनिटी एक्स और इसका क्या हो जाएगा फाइव डैश नीटा, और फाइव डैश नीटा का यहां से करेंगे ये बाकी सब टर्म एज इट इज, वाई रूट ऑफ यू इन्फिनिटी न्यू ऑफ एक्स और एक क्या आ जाता है इसमें माइनस टू ऑफ एक्स, ये भी किया था ना पढ़ने पहले उसी से लिखा है ठीक है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पिछली टर्म से ही लिखा है ठीक है, जो हमने यहाँ पर यूज किया था वह चीज लिख दिया। तो देखो विच इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज को वापस में थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है देखो, ये 1 अपॉन 2 एज इट इज रह जाएगा ओके, ये हाफ इसके अंडर आ जाएगा ओके, और देखो फाइव अनीटा एज इट इज, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया बस। यहां देखो यहां क्या हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म से ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, तो देखो कट दो, यहां तो सीधा नीटा बन रहा है तो इसको कोई करने की जरूरत नहीं, इसको एडजस्ट कर लो u इनफिनिटी x y डैश नीटा, यहां पर फिर से नीटा बन रहा है और ये माइनस ऑफ 2 x एज इट इज, यहां पे नीटा लगा दो ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल दो, इसको एज इट इज रख दो, हमें आगे बस इसको यूज करना है, पे रखना है थोड़ा सा रिसॉल्व करना है। तो देखो कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है, हाँ ये देखो यहाँ से टर्म्स कॉमन आ रही है ना, इस पूरे टर्म को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो देखो ले लो, अच्छा ये यहाँ पर देखो ये x है, ये है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा ये रूट का x हट जाएगा, ये x हट जाएगा, ये x की पावर के आ जाएगी अंदर आ जाएगी ठीक है ना, ये हो जाएगा ये यहाँ से। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, बाहर निकाल लो, ये 2 कॉमन है बाहर निकाल लो, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 गामा u इंफिनिटी ओवर x देखो, और सिंस मैंने माइनस भी कॉमन लिया है तो ये वाली टर्म पहले लिखूंगा नीटा फाई डैश नीटा ठीक है, और देखो ये वाली टर्म बाद में माइनस ऑफ फाई नीटा सी। अब मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया डेल साइन बाय डेल एक्स, और इसको मैं वी बनाने के लिए क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इस माइनस को मैं हटा दूंगा, इस माइनस को मैं हटा दूंगा और ये टर्म आ जाएगी। अब मेरे पास देखो सारी चीजें आ गई जो जो मुझे चाहिए, मैंने यू निकाल लिया, मैंने वी निकाल लिया,
मैंने del u by del y, मैंने del u by del x और del 2u by del y square निकाल लिया। अब इन सब टर्म्स को मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं रखोगे, तो देखो इस स्ट्रिंग फंक्शन को जैसे यहाँ रखता हूँ ना, यहाँ पे सिमेट्री बनती है, del 2 sin by del x, ठीक है ना, u रख रहा हूँ ना, u की वैल्यू, तो del x del y, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे v रखूंगा, तो del 2 sin by del x del y which is equal to 0, जो कि क्या है, आइडेंटिकली ट्रू होती है, ठीक है ना, ये आइडेंटिकली ट्रू है क्योंकि ये दोनों इक्वली होते हैं, इसलिए जीरो की इक्वली आएगा, तो आइडेंटिकली ट्रू हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, हमें इसको यूज करना है। तो हम इन सबको कहां पर रखेंगे, इक्वेशन वन में रखेंगे। अब इन सबको मैं नीटा के अंदर आ गया तो यहां रखूंगा। अब देखो क्या होता है, यू रखो, देखो यू ये रहा अपना यू इन्फिनिटी फाई डैश नीटा, ओके। अब डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये अपनी एक्सपेरिमेंट है, ये लिख दो, माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन टू एक्स नीटा फाई डबल डैश नीटा, ओके, ये चीज रख दी, ये वाला टर्म रख दी भाई मैंने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर प्लस प्लस लगाओ, v की वैल्यू क्या है, ये एक्सप्रेशन लिख दो, 1/2 रूट ऑफ न्यू यू इन्फिनिटी अपॉन एक्स, और देखो ब्रैकेट n फाइ डैश माइनस फाइ, ओके। और देखो यहाँ पे नीटा लगाओ नहीं लगाओ, एक ही बात है, हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो क्या है, नीटा के रेस्पेक्ट में ही है, ठीक है ना, ये नीटा ही है, तो कोई बात नहीं, वो तो लगाना लगाना आप पर है, ओके। अब डेल यू बाय डेल वाई लगाना है अपन को, तो देखो डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई ये एक्सप्रेशन है, लिख दो, यू इन्फिनिटी रूट ऑफ यू इन्फिनिटी गामा सॉरी न्यू एक्स फाइ डबल डैश नीटा लगाओ लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू किसके है, ये इक्वल्स टू है इसके न्यू डेल टू यू बाय डेल वाई, देखो ये इसकी इक्वेशन, तो देखो ये यहाँ पे रखूंगा यू का स्क्वेयर, और देखो ये न्यू एक्स फाइ ट्रिपल डैश, ठीक है ना, नीटा लगाओ लगाओ, एक ही बात है, ये चीज आ गई। अब देखो क्या कट रहा है, एक तो ये कट गया सिंपली, कोई हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, और इस तरफ देखो ये टर्म क्या है, टोटल थोड़ा सोल्व कर लिख लो, यू इन्फिनिटी ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये देखो माइनस का साइन ओवर 2x, एक नीटा और एक फाइव डबल डैश, ये आ गया। यहां से देखो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, दो टर्म्स में तोड़ रहा हूँ, तो ये पहली वाली देखो इसमें नीटा है, शायद ये इससे कैंसिल होने की संभावनाओं वाली चीज है, ठीक है, तो देखो क्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक फाइव डैश और था, तो ये फाइव डैश में लगा दो, ठीक है ना, एक फाइव डैश एक फाइव डबल डैश, ये दोनों आ गए, ये प्लस के साइन के साथ हाफ, ये देखो जब पहली टर्म इससे इंटू होगी तो ये ऊपर वाला यू इन्फिनिटी, ठीक है, ये और ये देखो, तो इसको मैं इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या जाता है, एक तो यू इन्फिनिटी है ही ये वाला, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये देखो ये टर्म यहां से इससे कैंसिल, ठीक है, और ये एक्स एक्स कंबाइंड हो जाए, देखो ये यहां इससे कैंसिल होगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, और ये जो है हमारा क्या नाम से एक्स, ये नीचे एक्स है, ठीक है ना, ये x क्या हो जाएगा, इस x के साथ कंबाइंड हो जाएगा, रूट वाला जो x है वो क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल x आ जाएगा, नीटा आ जाएगा इससे, और फाइव डैश और फाइव डबल डैश, फाइव डैश और फाइव डबल डैश, ये लो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आई है, एक बार वापस देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, x x कंबाइंड होकर सिंपल x हो जाएगा, u इन्फिनिटी, और फिर जो u इन्फिनिटी है वो स्क्वायर कर देगा इसको, नीटा और फाइव डैश और फाइव डबल डैश। अब देखो ये माइनस का साइन वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर वाला तो एजिटिव देखो वही रहेगा, कि ये तो ये u इन्फिनिटी क्या होगा, u इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1/2, ठीक है, ये माइनस और आ जाएगा एक साथ में, ठीक है ना, ये माइनस और ये 1/2 हो गया, और ये x का x फिर से कंबाइंड x बाहर आ जाएगा, और देखो ये से मल्टीप्लाई होकर फिर से ये कटेगा, और ये क्या हो जाएगा, u इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये कोई अपन को टेंशन की बात नहीं है, ओके। नीटा का नीटा आ जाएगा, सॉरी नीटा नहीं आएगा, नीटा इसके साथ अपन इससे कर रहे हैं, तो ये फाइव आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइव डबल डैश, ठीक है। और देखो टर्म बच रही है क्या, मेरे ख्याल से सभी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब देखो इधर वाला क्या बच गया, इधर बच गया यू इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन एक्स फाइव ट्रिपल डैश, ये देखो। अब देखो ये दोनों टर्म आइडेंटिकल है, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बच गए ये दोनों। तो अब देखो इन दोनों के साथ क्या कहानी होती है, इन दोनों कंबाइन कर लो, मेरे पास क्या बच गया, माइनस 1/2 यू इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन एक्स फाइव फाइव डबल डैश इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन एक्स फाइव ट्रिपल डैश, x x कैंसिल, ठीक है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, फाइव ट्रिपल डैश, ये 2 इधर चल जाएगा, ठीक है, ये माइनस का इक्वल में फाइव फाइव डबल डैश विच इज इक्वल टू 2 फाइव ट्रिपल डैश प्लस ऑफ फाइव फाइव डबल डैश इज इक्वल टू 0। यही है आपकी ब्लासियस-स्टॉफर इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ब्लासियस-स्टॉफर इक्वेशन है, और अब इसके लिए बाउंड्री कंडीशन देखो, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, ये मॉडिफाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एट y इज इक्वल टू 0, तो y 0 पर क्या हो जाएगा, हमारा नीटा का डिफाइंड था,
थीटा की डेफिनेशन थी वाई यू इन्फिनिटी अपॉन न्यू एक्स, ठीक है। तो जब वाई को जीरो करोगे तो नीटा जीरो, तो क्या हो जाएगी एट वाई जीरो हमारा नीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और नीटा जीरो होते ही क्या हो जाएगा, जो हमारा देखो यहाँ पे u और v जीरो होना चाहिए था, और u और v को जीरो होते क्या हो जाएगा, फाइव डबल डैश जीरो, फाइव डैश जीरो हो जाएगा, फाइव डैश जीरो, ठीक है ना। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई, u को देखो आप जीरो रखो तो ये फाइव डैश जीरो आ रहा है, ठीक है। और देखो एट y डैश टू इन्फिनिटी, y डैश टू इन्फिनिटी पे देखो क्या हो रहा है, जब y डैश टू इन्फिनिटी रखते हैं तो नीटा ऑल्सो डैश टू इन्फिनिटी, सो सी नीटा डैश टू इन्फिनिटी, एंड इफ नीटा इज डैश टू इन्फिनिटी दैट टाइम क्या हो जाता है कि u is equals to u infinity, तो इसी में देखो u की जगह u infinity रखो तो क्या हो जाता है, u infinity रखने पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 5 dash की वैल्यू क्या जाती है 1, तो 5 dash is equals to 1। अब सिंस देखो यहां पे v भी 0 था तो इसके साथ एक कंडीशन हो जाती है कि हमारा जो 5 नीटा है वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंस यहां पे देखो ये v 0, ये 0 आ गया और ये भी क्या हो जाएगा फिर equals to 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज करती है। ये है हमारी बाउंड्री कंडीशंस और ये हमारी ब्लासियस इक्वेशन, तो ये आ गई है, ठीक है। अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं आया, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो यहां तक से देखो क्या आ गया हमारे पास, ब्लासियस टॉफर इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन कैसी है, सिर्फ नीटा पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये जो बिल्कुल सिंपल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम इजीली अब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्दर आगे का सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम में यहां तक से भी क्वेश्चन आता है कि ड्राइव दी ब्लासियस टॉफर इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तक के लिए है, और फर्दर अगर आपको और पूछे तो इसका हम आगे सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैं सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वॉचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।